मुझे खुशी है कि आज यहाँ की इस इलाके की टकोली के सभी समस्त पंचायतों के इलाके के जो यहाँ पे हमारे साथी, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्गवान, हमारे युवा साथी नहीं 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 हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए, अपना समर्थन और प्यार देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए आप सब यहाँ पर आए। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता, कई बार जो हमारे मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी, जो मेरे लिए जो है एक पिता तुल्य व्यक्ति हैं और अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद ये हमेशा मुझे देते हैं, मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री बलवेंद्र सिंह कपलू जी, ये भी हमारे बड़े भाई हैं और हमारे प्रभारी हैं और बहुत अच्छी मेहनत ये यहाँ पर कर रहे हैं। एक जो है सेतु का एक काम कार्यकर्ताओं के बीच में, आम लोगों के बीच में और नेताओं के बीच में ये कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आदरणीय राजेश तिवारी जी, जो हमारे AICC के सेक्रेटरी हैं और यहाँ पे ऑब्जर्वर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री पावन देव ठाकुर जी, जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस के माननीय सम्मानित अध्यक्ष है। श्री कृष्ण पाल जी, PCC के सचिव। गुलजार भारती जी, योगेंद्र कोलेरिया जी, प्रेम सिंह ठाकुर जी, नरेश कुमार जी, आदरणीय कुकू जी, मनोज ठाकुर जी, ज्योति प्रकाश ठाकुर जी, गिरधारी लाल जी, गुलाब सिंह जी, करमचंद जी, भाटिया जी, सुंदर सिंह ठाकुर जी, केवराज सिंह ठाकुर जी, विषम सिंह ठाकुर जी, दामोदर नेगी जी, श्री केसर सिंह ठाकुर जी, विक्रांत ठाकुर जी, कमोड जितेंद्र जी, श्री गोपाल शर्मा जी, इंदर ठाकुर जी, शोभा राम जी, अभिषेक जी, दीनानाथ जी और मंच पर उपस्थित सभी जो हमारे युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इंटक, जिला परिषद के माननीय सदस्य, प्रधान, उपप्रधान, BDC के मेंबर्स, सभी महिला मंडल, सभी प्रेस के बंधु और सभी साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे बहुत से, क्योंकि हम यहाँ की जो यहाँ टकोली की ऐतिहासिक मंडी में उपस्थित है, इसलिए यहाँ पे जितने भी हमारे बागवान, किसान, हमारे आढ़ती भी इस इलाके के हैं, आपको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सभी समाज के लोगों को आगे लेकर जाना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा क्योंकि आज हमारा काफी लंबा और विस्तृत कार्यक्रम तरंग विधानसभा क्षेत्र का है। मैं कुछ ही प्रमुख बिंदुओं पर अपनी बात को फोकस रखना चाहता हूं और आप जानते हैं कि मुझे मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, अपना नुमाइंदा बनाया है और किस सोच के साथ हम आप लोगों के बीच में आए हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि 34 साल की उम्र में मुझे आप लोगों के आशीर्वाद के साथ, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के साथ जो है दो बार अपने विधानसभा क्षेत्र शिमला ग्रामीण से विधायक बनने का मौका मिला है, अवसर प्राप्त हुआ है और 34 साल की उम्र में मुझे प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का सेवा करने का आप लोगों का अवसर प्राप्त हुआ और हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करने में अपनी भूमिका को निभाने का हर संभव प्रयास किया। अभी जैसे हमारे साथी यहाँ पर कह रहे थे, हमने कभी ये नहीं देखा कि ये सरकार भाजपा की है या ये सरकार कांग्रेस की है, केंद्र में किसकी सरकार है। हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली में भी वहां के मंत्रियों के साथ पूर्ण तरीके से उनके साथ जो है बात करने का प्रयास किया, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया और मुझे खुशी है ये कहते हुए
कि 15 महीने के कार्यकाल में बतौर लोक निर्माण मंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद के साथ हम हिमाचल के लिए 3650 करोड़ रुपए के विकास कार्य करने में हिमाचल के अंदर सफल हुए। करीबन 800 करोड़ रुपए के जो हमारे नबार्ड के माध्यम से सड़कों के निर्माण होते हैं वो भी हमने प्रदेश के अंदर करवाए। और हमारे इसी टकोली में जब मैं अभी कुछ महीने पहले यहाँ पर आया था करीबन 107 करोड़ रुपए के लागत से करीबन 10 सड़कों का नवीनीकरण, उनके अपग्रेडेशन और मेटलिंग टाइलिंग का कार्य हमने केवल धरम के इस इलाके के अंदर करवाने का जो प्रण लिया उसको हमने पूरा करके दिखाया। आज उसके टेंडर हो चुके हैं, अवार्ड हो चुके हैं और कईयों पे काम शुरू हो चुका है। और जो ना जहाँ पे अभी नहीं हो पाया है वो चुनावों के आचार संहिता के इमीडिएटली बाद उसको शुरू करवा दिया जाएगा, क्योंकि हमने एक पूरा रोड मैप पूरे प्रदेश का बनाया है किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। मुश्किल समय आया, आपदा का दौर आया, उसमें भी आपका बेटा आपका भाई आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा। मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिया कि आप मंडी में जाकर कुल्लू मनाली में जाकर जो आपदा के दौरान जब इतना यहाँ पे बाढ़ आई थी इतना नुकसान हुआ था हमने हर क्षेत्र का दौरा किया। मंडी से हमारा जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है वहां से शुरुआत करते हुए पंडोर से शुरुआत करते हुए टकोली से शुरुआत करते हुए आपके आगे भुंतर मनाली पतली पुल से लेकर आपके सैंज घाटी में जो हमारा नुकसान हुआ वहां पे हमने जायजा किया और जहां जहां जो आपके सहयोग की आवश्यकता थी हमने रिकॉर्ड समय में सड़कों को खोलने का कार्य किया, ब्रिजेस लगाने का कार्य किया और आने वाले समय में और उसमें नए प्रोजेक्ट हमने केंद्र को भी भेजे। उसमें एक योजना है भारत सेतु योजना जिसके तहत हमने करीबन 10 नए पुल जिसमें से एक हमारा पंडो का ब्रिज भी है उसको भी ठीक करवाने के लिए नया ब्रिज वहां लगाने के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी हमसे सवाल कर रहे हैं कि आपने आपदा में कोई काम नहीं किया, आपने यहाँ पे कोई ब्रिजेस नहीं लगाए। मैं उनको ये बात विनम्रता से कहना चाहूंगा आदरणीय ठाकुर साहब, हमारे समय में हमने जो ये सहयोग लाया है 3500-3600 करोड़ का सहयोग लाया है और उसके साथ साथ जो ये ब्रिजेस का हमने एक रिपोर्ट अपने माध्यम से केंद्र सरकार से भेजी है, अगर आपने सकारात्मक भूमिका निभानी होती तो आप भी एक सेतु का जो है वो अपना एक भूमिका को अदा करते, केंद्र सरकार से बात करते और जल्द से जल्द ये सेतु भारत सेतु योजना के तहत जो हमने ब्रिजेस का सहयोग केंद्र सरकार से मांगा है जिसमें आपके मंडी सदर का कोट कातर ब्रिज है जो आपके मंडी इलाके को जोगिंदर नगर से जोड़ता है, आपके पंडोर का ब्रिज है, आपके और का ब्रिज है, ये सारे के सारे हमने प्रोजेक्ट बनाकर अपने डिपार्टमेंट से केंद्र को भेजे मगर उसमें अभी तक हमें सहयोग नहीं मिल पाया। आप हमारी निंदा करने के बजाय अगर एक सेतु का जो है कार्य करते, हमने तो आपको उस समय भी कहा था कि दिल्ली मिलकर चलते हैं, आपके साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ, आप हमसे कद में बड़े हैं, आप हमसे राजनीतिक कद में बड़े हैं, आपका छोटा भाई आपके साथ चलेगा, मिलकर हम मंडी के लिए पैसा लेकर आएंगे, मगर राजनीति आड़े आ गई और जब हमने विधानसभा के अंदर सदन में हम ये जो है विशेष जो है वो लेकर आए, विशेष सत्र लाया और वहां पे हमने ये प्रस्ताव पारित किया कि हिमाचल को जो है विशेष राज्य का दर्जा इस आपदा के दौर में मिलना चाहिए, तो भाजपा के नेताओं ने हमारा समर्थन नहीं किया। आज किस मुंह से ये हमारा विरोध कर रहे हैं, आज किस मुंह से ये कहते हैं कि हमने मंडी का विरोध किया। मैं उनको ये बात कहना चाहूंगा, जो मोहतरमा आज मुंबई से आकर यहाँ पे बड़े बड़े बयानबाजी कर रही हैं, मैं उनसे भी विनम्रता पूर्वक ये बात कहना चाहूंगा कि मंच पर जाने से पहले औरों के ऊपर उंगलियां उठाने से पहले अपने बारे में आप पता कर लीजिए, आप पहले ये देखिए कि क्या कार्य हिमाचल में
और खास करके मंडी जिला में कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुए हैं, आज आप हम पे तो उंगली उठा रही हैं। मगर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मंडी के अंदर अगर आपके ब्रंक के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आपके कमान कुटाला में खुलाया गया तो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के सहयोग के साथ, सर्वपाल सिंह जी के सहयोग के साथ यूपीए सरकार के समय में ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर मंडी के अंदर आया। आपके नेम चौक के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज बनाया गया, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। यूपीए सरकार के समय में ये मेडिकल कॉलेज जो है हिमाचल प्रदेश में और मंडी जिला के लिए लाया गया। और साथ ही साथ हमारा जो है वो नेम चौक से लेकर आपके कीरतपुर तक जो फोर लेन का कार्य शुरुआती तौर में शुरू किया गया वो भी यूपीए के समय, जब वीरभद्र सिंह जी हमारे यहाँ से सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, उस समय मंडी जिला के लिए काम किया गया। आपने पिछले 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। आपकी डबल इंजन की सरकार केंद्र में थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, आप कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट मंडी जिला के लिए 5 साल के लिए 5 साल की सरकार में लेकर आए? आज ये सवाल मंडी की जनता जो है आदरणीय जयराम ठाकुर जी से, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है। एक बड़ा प्रोजेक्ट हमें बता दे जो वो लेकर आए, जो उन्होंने मंडी जिला के लिए जो है केंद्र से लेकर आए। आज वो एयरपोर्ट की बात करते हैं कि हम बन में हमने एयरपोर्ट बनाना था, आज तक 5 साल उनके पूरे हो गए, एक नया ईंट उस बन के एयरपोर्ट पे नहीं लगा। हम उन चीजों में नहीं जाना चाहते, हम भी बहुत से कटाक्ष कर सकते हैं, हम भी बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, मगर मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आया हूँ, आपका समर्थन देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरी माताओं, हमारी सभी बुजुर्गवान, यहाँ के किसान, यहाँ के बागवान, कि आपका बेटा एक नई सोच लेकर आया, एक नया विजन लेकर आया। कैसे हमने मंडी संसदीय क्षेत्र को, जो भौगोलिक परिस्थिति से देश का नंबर वन संसदीय क्षेत्र है, ये संकल्प लेना है, ये प्रण लेना है कि हमने विकास के दृष्टिकोण से मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का नंबर वन संसदीय क्षेत्र आने वाले समय में बनाना है। और ये संकल्प हम मिलकर लेंगे, मंडी संसदीय क्षेत्र का 16 लाख परिवार मिलकर ये संकल्प लेगा कि हम मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का नंबर वन संसदीय क्षेत्र बनाएंगे, जिसके लिए मंडी में स्मार्ट सिटी बनाने का हमने संकल्प लिया है, जिसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। और उसके साथ साथ आपके जो हमारा रोड का इलाका है मंडी में, वहां से कुल्लू वैली को जोड़ने के लिए, आपका लग वैली में जोड़ने के लिए भूभू जोड़ टनल निर्माण, ये भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे जिला कुल्लू और जिला मंडी के लिए होगा, जिससे हमारा जितना ट्रैफिक यहाँ से होकर गुजरता है वो आने वाले समय में यहाँ से सीधे पठानकोट से जो है वो कुल्लू में जाएगा। और उसका फायदा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्षेत्र के लोगों को आने वाले समय में मिलेगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ हमारा जो है फोर लेन का बहुत मसला इस इलाके में चला हुआ है। पीछे भी जब हमारी सरकार के समय जब ये आपदा आई, मैंने निरंतर इस इलाके का पूरा दौरा किया, बहुत से हमारे यहाँ पे प्रभावित परिवार है, उनके भी मसले हैं। पीछे जब हमने यहाँ पे अपना कार्यक्रम किया था, जब मैं यहाँ पे आपके 107 करोड़ रुपए के फाउंडेशन स्टोन रखने आए थे, उस समय भी यहाँ के कई गांव के लोगों ने कहा था, उनके पूरे के पूरे गांव जो है वो फोर लेन की कटिंग की वजह से नीचे आ रहे हैं। इस विषय को भी हमने प्राथमिकता पे NHAI के समक्ष रखा है, केंद्र सरकार के समक्ष रखा है, जो इनके कॉम्पनसेशन की बात है प्रभावित परिवारों की, और 4 गुना इसको करने की बात है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आशीर्वाद के साथ यहाँ से जीतने के बाद हम प्राथमिकता पे इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष
आने वाले समय में रखेंगे ताकि हमारे जितने भी प्रभावित परिवार इस क्षेत्र में आते हैं उनको सही मुआवजा आने वाले समय में मिले, ये हमारी प्राथमिकता इस इलाके के लिए रहेगी। वैसे ही हमारा जो धर्म का दूसरा इलाका है, दूसरा छोर है, जहाँ पे हमारे बहुत से जो है नमक की खाने हैं, उनको भी आने वाले समय में कैसे उसमें और निवेश लाया जा सकता है, चाहे सरकारी क्षेत्र से चाहे निजी क्षेत्र से, कैसे उसको और आने वाले समय में डेवलप किया जा सकता है, इस दृष्टि से भी हम आने वाले समय में पूरा कार्य करने का प्रयास करेंगे। और एक और संकल्प हमने लेना है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारे बागवान और हमारे किसान होते हैं, ये मेरा वादा है। और आप नोट करके रख लीजिए, मैं जो बात कहता हूँ उसको करके दिखाता हूँ। मंडी जिला के लिए खास करके हमारे बागवानों और हमारे किसानों के लिए, क्योंकि टकोली हमारा एक बहुत बड़ा जो है वो हमारा एक हब है जहाँ पे सारे बागवान किसान आड़ती आते हैं। इस इलाके में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है केंद्र सरकार में, वहां से हम एक यूनिट जो है फूड प्रोसेसिंग का और फ्रूट प्रोसेसिंग का इस इलाके के लिए सैंक्शन करवाएंगे, ताकि हमारे बागवान हमारे किसान उनको यहाँ पे अच्छे दाम अपनी उपज का भी मिले और उसका सही इस्तेमाल आने वाले समय में हो। जो प्रॉफिट मार्जिन बीच में हमारे जो बिचौलिए खा जाते हैं उसका फायदा ना हमारे किसानों को मिलता है और ना हमारे जो उपभोक्ता है कंज्यूमर्स है उनको मिलता है। आप अगर कोई चीज 10 रुपए में बेचते हैं, आगे वो चीज दिल्ली में चंडीगढ़ में जाकर 100 रुपए में बिकती है, मगर वो 90 रुपए का मार्जिन हमारे लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ पे एक फ्रूट प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग यूनिट आने वाले समय में टकोली के अंदर लगवाए, ताकि इस पूरे इलाके के लोग, चाहे वो आपके साथ लगते बंजार के हैं, चाहे वो साथ लगते रंग के हैं, चाहे वो साथ लगते हमारा जो आउटर सराज का जाता है, इन सब लोगों को उसका फायदा आने वाले समय में मिले, ये हमारी प्राथमिकता इस इलाके के लिए रहेगी। और साथ ही साथ हमारी जो मातृशक्ति महिला है यहाँ पर आई है, आपको भी मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो वादा हमारी महिलाओं को पेंशन देने का किया है, उसके लिए 800 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान हो चुका है और 6 जून को जो है आपके अप्रैल और मई की किस्त को मिलाकर 1500 रुपए मिलाकर 3000 रुपए प्रति महिला जो इसमें पात्र महिलाएं हैं उनको ये सहयोग राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरा सबसे ये निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो हमारे तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाकर फॉर्म को भरे और भाजपा की महिलाओं के फॉर्म भी भरे, वो भी मेरा आपसे निवेदन है कि आप जाकर भरवाइए ताकि उनको भी ये सहयोग राशि आने वाले समय में मिलेगी। और सालाना 18,000 रुपए जो है वो सरकार की ओर से महिला सम्मान निधि जो हमने देनी है वो आने वाले समय में आपको मिलेगी। कुछ इलाकों में ये मिलनी शुरू हो गई है, जहाँ पे नहीं मिली है वो अब इसका अनुदान आने वाले समय में होगा। वैसे ही हमारी जो केंद्र में कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हर साल हर महिला को केंद्र सरकार की ओर से, जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, हर महिला को हर साल जो है 1,00,000 रुपए और एक महीने में 8,000 रुपए केंद्र सरकार की ओर से आने वाले समय में मिलेंगे। ये भी हमारी महिलाओं को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक निर्णय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिया है, जिसको पूरा करना आने वाले समय में हमारी वचनबद्धता है और मजबूती के साथ हम इन दृष्टिकोण को आने वाले समय में पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, इसका मैं आपको जो है वो विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि हम एक नई सोच आपके बीच में लेकर आए हैं, जैसा मैंने आपको बात कही, चाहे वो स्मार्ट सिटी बनाने की है और आपदा में जो हमने एक कमियां पाई, जो हमने कुछ सीख लिया है, उससे हमने जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स है, जल शक्ति है, वहां से एक हमने डीपीआर हमारे कुल्लू से लेकर आपके और से लेकर आपके टकोली से लेकर आपके नीचे आपके
पंडोर से लेकर मंडी सदर तक नदी के चैनलाइजेशन का, ब्यास नदी चैनलाइजेशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने बनाया है। करीबन 2000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसको हमारे जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री है श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को पहले ही केंद्र सरकार को जो है वहां पर भेज दिया है। ये मेरा आपको वादा है कि जब हम यहाँ से चुनकर जाएंगे, हमारी नंबर वन प्राथमिकता जो लोकसभा के अंदर और हमारे जल शक्ति विभाग में केंद्र सरकार में रहेगी, वो इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाने की रहेगी, ताकि हमारे ब्यास नदी की चैनलाइजेशन आने वाले समय में सही ढंग से हो और खुदा ना खास्ता कहीं आने वाले समय में फिर से इस तरीके की अगर कोई बाढ़ आती है, इस तरीके का कोई और नुकसान होता है, तो कम से कम जो साथ लगता हुआ हमारा इलाका है, बगीचे हैं, स्कूल है, कईयों के घर है, कईयों के दुकानें हैं, उनका नुकसान फिर से ना हो, इसके लिए हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, इस डीपीआर को बनाया है, जिसको प्राथमिकता में हमारे वाले समय में केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम हमेशा आपके साथ, आपके हर सुख में, आपके हर दुख में, आपके अच्छे दिन में, आपके बुरे दिन में आप लोगों के साथ खड़े रहे हैं। आज जो भाजपा की यहाँ से माननीय प्रत्याशी है मोहतरमा, जो मुंबई से यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आई है, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी से, जयराम जी से, नड्डा जी से ये पूछना चाहूंगा, क्या आपके पास कोई भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता नहीं था? अभी कुल्लू में इतना हमें वहां पे लोगों ने कहा कि वहां के जो हमारे पूर्व नेता रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, महेश्वर सिंह जी कई बार यहाँ से सांसद रहे और अब बुजुर्गवान हो गए हैं, उन्होंने निवेदन किया, लिखित रूप से निवेदन किया कि मेरा आखिरी चुनाव है, कृपया करके मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाए, मगर उनको नजरअंदाज कर दिया गया। हमारे द्रंग से ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी, उनको भी पिछली बार यहाँ से टिकट दिया गया था, कुछ मतों से वो रह गए थे, उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया। अजय राणा जी जो भारतीय जनता पार्टी के संघ के वरिष्ठ नेता है सुंदरनगर से, उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया। आखिर ये राज क्या है, ये राज क्या है कि आपको बंबई से एक अभिनेत्री को यहाँ पर पैराशूट के माध्यम से उतारना पड़ा? आज ये सवाल मंडी की जनता आदरणीय जयराम ठाकुर जी से कर रही है। कुछ तो है कि आपको क्यों एक अभिनेत्री को, जिनका यहाँ के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, जिनका यहाँ के लोगों के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, मैं दावे के साथ आपको ये बात कह सकता हूँ, अगर उनको मंच के ऊपर खड़ा कर दो और बिना कागज के उनको ये बोलो कि हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र में कितने विधानसभा के हलके हैं, तो बिना पढ़े वो 17 विधानसभा हलकों का नाम नहीं ले पाएंगे। उनको ये नहीं पता कि भरमौर कहाँ है, ये नहीं पता कि पांगी कहाँ है, ये नहीं पता कि चंबा कहाँ है, ये नहीं पता कि लाहौल स्पीति कहाँ है, ये नहीं पता कि करसोग कहाँ है। आज केवल जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। आज जिस तरीके से हमारे ऊपर निजी रूप से हस्तक्षेप कर रही है, आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, पिछले कल कहती है, दो दिन पहले उन्होंने कहा कि ये परिवार जो है वो कुर्सी से चिपका हुआ है, ये कुर्सी इनसे छूट नहीं रही है। मैं उनको कहना चाहूंगा, मोहतरमा जी, ये जो कुर्सी है, बेशक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है या मंत्री की कुर्सी है या विधायक की कुर्सी है, इस पे कोई चिपकता नहीं है, इस पे जनता चुनकर आपको वहां पर भेजती है। और जनता ने राजा वीरभद्र सिंह जी को बार बार चुना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, रिकॉर्ड 6 बार मुख्यमंत्री बनाया, वो चुनकर लोगों ने उस कुर्सी के ऊपर राजा वीरभद्र सिंह जी को बिठाया। हम कोई चिपकने वालों में से नहीं है, जनता में प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है, जिसकी वजह से हम उस कुर्सी के ऊपर विराजमान है। आज अगर मुझे 34 साल की उम्र में 2 बार विधायक बनाया गया, इस उम्र में अगर मुझे मंत्री बनाया गया,
तो वो आप लोगों के प्यार, आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के समर्थन के साथ हुआ है। और अगर आप सोचती हैं, अगर आप कहती हैं कि ये कुर्सी से, अगर आप कहती हैं कि ये कुर्सी से चिपके हुए है, तो आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को क्या कहेंगे? वो भी तो 2000 से लेकर लगातार 10 साल 15 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, करीबन 10 साल से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, 75 साल का उन्होंने नारा दिया कि 75 साल के बाद अपने नेताओं को रिटायर कर देंगे, 74 साल की उम्र माननीय प्रधानमंत्री जी की हो चुकी है, क्या आप मोदी जी को भी कहेंगे कि मोदी जी आप भी कुर्सी से चिपके हुए हैं, अब आप मेरे लिए कुर्सी को छोड़े, क्या इतनी हिम्मत है आपकी कहने की? इस तरीके की बातें कहना, राजनीतिक मंच पर कहना, मैं समझता हूं कि वो शोभा नहीं देता है। बात आप मुद्दे की करें, एक महीना हो चुका है इन चुनावों को चलते हुए, आज 20 तारीख हो गई है, 10 दिन में चुनावों के परिणाम, चुनावों का मतदान भी होगा और उसके 3 दिन बाद परिणाम आ जाएगा। हमने तो अपना पूरा विजन यहाँ के लोगों के सामने रख दिया, एक खुली किताब की तरह रख दिया है, चाहे यहाँ पर बागवानों की बात है, किसानों की बात है, हमारे प्रभावित परिवारों की बात है, हमारे टनल निर्माण की बात है, हमारे यहाँ पर जो है यहाँ की चैनलाइजेशन की बात है, हर चीज पे हमने खुलकर बात रखी है। आप बताइए कि आपका क्या विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रति है, ये मैं आज उन मोहतरमा से पूछना चाहूंगा कि केवल मोदी जी का गुणगान करके, केवल मोदी जी का जाप करके आपकी नैया पार नहीं होने वाली। और वैसे भी वो लोग जो दो नाव के ऊपर सवार होते हैं, एक टांग मुंबई में है, एक टांग हिमाचल में है, वो नाव बहुत जल्दी समुद्र में डूबने वाली है, इसलिए आप अपना बोरी बिस्तर पैक कर लीजिए और 4 तारीख को वापस मुंबई जाने की तैयारी करें। आपकी कई फिल्में अभी जगत में, बॉलीवुड जगत में बची हुई है, कई फिल्में आपने वहां पर करनी है, आप जाकर अपनी फिल्में करिए और यहाँ का काम आप जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र के बेटे के ऊपर छोड़ दीजिए, यहाँ के भाई के ऊपर छोड़ दीजिए। हमने यहाँ पे जितना विकास राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है, ठाकुर कौल सिंह जी ने किया है, उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प हम सब मिलकर यहाँ पे लेंगे और मिलकर आगे चलेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ज्यादा पूछना कहते हुए मैं एक बार ही आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके साथ, आपके मुश्किल घड़ी में, आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं। मैं जानता हूँ कि कई लोगों के साथ हमारा रिश्ता एक नया जुड़ रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक राजा वीरभद्र सिंह जी को तो आप जानते हैं, ठाकुर कौल सिंह जी को आप जानते हैं, हो सकता है व्यक्तिगत रूप से आप अभी हमें नहीं जानते हो, मगर आपको एक एक व्यक्ति को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथ एक मजबूत रिश्ता, एक परिवार का रिश्ता, एक मजबूत डोर का रिश्ता आपके साथ बनाया जाएगा, जो ता उम्र जब तक हम जिंदा है तब तक वो रिश्ता हम अपनी ओर से निभाएंगे, पूरी मजबूती से निभाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इस चीज का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ के सभी देव समाज को भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो अटूट विश्वास हमारे देवी देवताओं के प्रति है, राजा वीरभद्र सिंह जी ने देव नीति को बढ़ाने का कार्य, देव संस्कृति को बढ़ाने का कार्य जो हिमाचल के अंदर किया, हिमाचल में मंडी के अंदर आज अगर देव सदन बना है तो वो राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है, अगर कुल्लू के अंदर देव सदन बना है तो राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है, आज अगर करोड़ों मंदिरों का, आज अगर हमारे लाखों मंदिरों का जीर्णोद्धार हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, उसके लिए करोड़ों रुपए का बजट अगर किसी सरकार ने दिया तो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने दिया। और उसके साथ साथ अगर पहला राज्य जहाँ पे धर्मांतरण का कानून कोई सरकार लेकर आई, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो कार्य किया गया, 2005 में ये कानून लाया गया, ये भी जब राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय ये धर्मांतरण का कानून हिमाचल के अंदर लाया गया। इसलिए हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम देव समाज को मानने वाले हैं
और हम अपनी निष्ठा, अपनी सोच जो विकास कार्यों के प्रति है जितनी मजबूत है, उतनी ही मजबूत हमारी देव नीति के प्रति भी है। और वैसे भी जिस तरीके की बातें आजकल सोशल मीडिया पर निकल कर आ रही है, हम तो उस पर कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहते, मगर आज प्रदेश के अंदर, मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ये बात घर कर चुकी है कि मोहतरमा का जो खान पीन की चीजें आज निकल कर आ रही है, आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है। और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है। ये चीजें हम नहीं कह रहे, आज ये देव नीति के लोग इस बात को कह रहे हैं कि देव संस्कृति के ऊपर जो ये प्रहार किया जा रहा है, आज जो हमारे देव नीति के विपरीत जो चीजें आज निकल कर आ रही है, जो आज व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, हर चीजों में लोग जिस चीज को देख रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। इन चीजों का हमें विरोध भी करना है और भविष्य में ऐसी चीजें ना निकल कर आए इसके ऊपर भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं कहूंगा टकोली की जनता को, आप कहेंगे जय श्री राम। टकोली की जनता को जय श्री राम, टकोली की जनता को जय श्री राम, टकोली की जनता को जय श्री राम, सुनौर घाटी की जनता को जय श्री राम। दोनों हाथ खड़ा करके पूरे दम के साथ, सुनौर घाटी की जनता को जय श्री राम, सुनौर घाटी की जनता को जय श्री राम, सुनौर घाटी की जनता को जय श्री राम। जय हिंद, जय हिमाचल।